हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक सिर में। तो लेकर आ गई हूँ एक और वीडियो जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। ये वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया गया है। एक्चुअली मैं एक स्टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ही स्टॉक पर बात करूँगी और वो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं अगर किसी के पास भी वो स्टॉक है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुँचना काफ़ी ज़रूरी है। न्यूज़ अब तक पहुँच गई होगी वैसे, बट वो कौन सा स्टॉक है हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे ए टू जेड। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, नए विजिटर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिल सके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, क्या है खास आज के वीडियो में? तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे आर्टिकल देख पा रहे होंगे तो बैंक का नाम भी आपको दिख रहा होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था बैंकिंग सेक्टर से। मैं ज़्यादातर आपको पांच बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वीडियो बता चुकी हूँ, वो कौन से स्टॉक है जिनमें आप बार कर सकते हैं। एक कोटक ICICI हुआ और एक और मैंने बैंक का नाम लिया था फेडरल बैंक। और अगर मैं दो बैंकों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं SBI और एक इन्हीं में से एक यही बैंक है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इससे रिलेटेड भी न्यूज़ आ गई है और बहुत सारे बैंक भी काफ़ी सेक्टर्स अच्छे हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट और ग्रोथ हो रहा है, उनमें भी आप एक नज़र रख सकते हैं, एक फोकस रख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या है न्यूज़ वो हम देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड न्यूज़ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मतलब ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में शामिल होने जा रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या है न्यूज़ वो हम देख लेते हैं आर्टिकल में। तो इससे रिलेटेड क्या है न्यूज़ आर्टिकल में हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इससे रिलेटेड हमको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी में शामिल होने जा रहा है। तो आपको मार्च के एंडिंग में ये सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी और इससे रिलेटेड मूवमेंट का भी आपको मार्केट में मार्च के बाद ही मालूम चलेगा। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल में क्या दिए हुए वो मैं बता देती हूँ। समवेयर अराउंड आपको देख पा रहा होंगे 600-700 करोड़ का यहाँ पे QIP का फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पे QIP की जा रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है और यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, इशू डेट 15 मार्च, मतलब 15 मार्च के लगभग हमको ये देखने के लिए मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड ये शानदार न्यूज़ है। इसमें हमको कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली दिखाई देगा दोस्तों। ये न्यूज़ काफ़ी पहले से आने वाली थी, पर अनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये उस टाइम नहीं आ पाई जब इसको आना चाहिए था, बट अब हमको यहाँ पे एक आर्टिकल में ये न्यूज़ आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं राइस फंड यहाँ पे लगभग 600 करोड़ के आसपास का यहाँ पे किया गया है। आपने अभी मैंने आपको दिखाया भी बताया भी, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट वाली बात है, या यूँ कहना चाहिए कि हमको 600-700 करोड़ के आसपास यहाँ पर राइस फंड देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये गुड न्यूज़ है और इससे रिलेटेड इस स्टॉक में हमको डेफिनेटली मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा बिकॉज़ ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप कहें कि बैंकिंग सेक्टर में इसमें प्रेशर पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये AU फाइनेंस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो कह सकते हैं हमको कहीं ना कहीं इसमें बढ़ते दिखेगी, जैसे कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म में बात करती तो लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ या काफ़ी अच्छा एक रिटर्न डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कैपिटल अगर हम मार्केट की बात करें तो इसमें हमको डेफिनेटली ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकती है। लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं आर्टिकल में, आप खुद भी पैरा को खुद से भी पढ़ेंगे तो एनालाइज हो जाएगा आपको। द कैपिटल राइज टू अ पार्ट ऑफ द बैंक्स प्लान टू राइज फंड फॉर आ मीटिंग इट्स ग्रोथ रिक्वायरमेंट। तो कंपनी की कहीं ना कहीं ग्रोथ ही तो हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में अगर ग्रोथ चाहते हैं तभी तो ये फंड राइज कर रहे हैं 600-700 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इक्विटी इश्योरेंस। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये ग्रोथ करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। जो लोग वीकनर्स हैं उनको चीज़ें समझ में अभी नहीं आ रही होंगी, बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बिकॉज आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा नए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है सारी चीज़ें समझने में, बट आप गूगल करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक पैरा कम्प्लीट हुआ, अब हम नीचे की ओर जाते हैं और इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं।
ये पहले होने वाला था पर मार्केट में कहीं ना कहीं डिले क्यों हुआ, क्योंकि इसको उस हिसाब से कोई भाव नहीं मिल रहे थे, इसलिए इससे रिलेटेड ऐसी कोई अपडेट पहले नहीं आई। बट अब अपडेट आ चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट मई द यील्ड्स बोर्ड हैड अप्रूव्ड, पहले ही लास्ट मई में अप्रूव्ड किया जा चुका था राइस रेट्स 2500 करोड़ के आसपास का। तो हम कह सकते हैं QIP के लिए पहले ही मई के महीने में ये 2500 करोड़ के आसपास का अप्रूवल पहले ही किया जा चुका था। तो हाँ, यहाँ पे आप स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट इस न्यूज़ को लेके इम्पैक्ट देख पा रहे होंगे। 1234 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है QIP से रिलेटेड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो इस पर हमारा इम्पैक्ट या कहें स्टॉक मार्केट पर इस स्टॉक का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। एक अच्छा यहाँ से रिटर्न हम देखने वाले हैं। कह सकते हैं हम पहले ये मिड कैप में शामिल था तो कहीं ना कहीं ये रिस्की स्टॉक माना जाता था। मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स रहते हैं जो रिस्की स्टॉक रहते हैं, बट डेफिनेटली अब इसका काफ़ी चांसेस हैं बैंकिंग निफ्टी बैंक में जाने के लिए। तो इसने अब लार्ज कैप कंपनी का रूप धारण कर लिया, यूँ कहें कि लार्ज कैप कंपनी में शामिल हो चुका है। तो कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी में शामिल होने के लिए इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग या कैपिटाइजेशन को बढ़ाना था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इससे ग्रोथ होगी तभी ये बैंकिंग सेक्टर या कहें कि बैंक निफ्टी में शामिल होगा। तो ऑब्वियसली कंपनी की ग्रोथ हुई है तभी इसका नाम बैंक निफ्टी में शामिल होने के लिए आया है। तो कह सकते हैं यहाँ से हमको एक ग्रोथ लेवल पे ये स्टॉक जाने के लिए मिलेगा। इसके चार्ट पैटर्न की ओर भी हम ध्यान दे लेते हैं। अगर हम एक ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी स्लो मूवमेंट के साथ ही रिकवरी ली है मार्केट के साथ। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कुछ तेज़ी नहीं दिखी, बिकॉज अब ये मिड कैप में शामिल था बट अब लार्ज कैप में शामिल होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ से ही इसका इम्पैक्ट हमको ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है, एक जंप यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कह सकते हैं फाइनली अगर मार्च के बाद हमको ये बैंक निफ्टी में देखने के वो मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ से इसमें मूवमेंट और जंप दोनों ही बढ़ जाएंगे, मार्केट में सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ से आज के दिन का अगर डिलीवरी चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिलीवरी 32% के आसपास के यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। ये 10 मार्च आज ही के दिन की बात हो रही है, 10 मार्च का 12 बजे का यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है। तो कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं स्टॉक में हाईली जंप आ रहा है, ये क्या है न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस न्यूज़ का पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप 52 हाई भी देखेंगे तो 1316 के आसपास का इसका 52 हाई का, वो भी ज़्यादा दूर का नहीं है, 9 मार्च मतलब कल की डेट का, ये ट्यूसडे में इसने 1316 का हाई मारा है। न्यूज़ कल की अपडेट के कारण आ गई थी, इस कारण इसमें मोमेंटम बढ़ गया था। आज की डेट में भी हम देख पा रहे होंगे 1234 के आसपास का स्टॉक है। अगर 52 की बात करें तो इसमें लो भी आप देख पा रहे होंगे 366 के आसपास का लो ही का, और ये 27 मार्च 2020 का है, मतलब एक साल को सम अराउंड 27 मार्च का मई का है। तो कह सकते हैं कि एक साल पहले का है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें हम लोग हर पैरामीटर्स पे कंपनी को आँकते हैं तो हमको एक एक चीज़ें अपडेट सही सही मिल जाती हैं। तो कह सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। AU स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है एक पॉजिटिव वे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स के पास कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, यहाँ पे आप जीरो देख पा रहे होंगे। बैंकिंग सेक्टर में खासकर हमको यही देखने के लिए मिलता है। तो कह सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा है। और प्रमोटर्स की बात करें तो 29% के आसपास, 29-28% के आसपास आपको यहाँ पर प्रमोटर्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक तो 71% के आसपास, मतलब काफ़ी पब्लिक यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है। कह सकते हैं एक ट्रस्टेबल कंपनी या कहना चाहिए ट्रस्टेबल बैंक यहाँ से साबित हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं QIP लेकर आ रही है कंपनी, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी की ग्रोथ के लिए ला रही, तो इससे रिलेटेड ये पॉजिटिव ही न्यूज़ है और इसमें हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 1232 के आसपास का स्टॉक चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इसमें काम करते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म में ही करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हमको कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं देख सकते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न के लिए जा सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंस शीट है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप रेवेन्यूज़ भी देख पा रहे होंगे, 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू है, ये देखिए। अगर हम कंपनी की बाकी सारी डिटेल चेक करें तो कंपनी के रिज़र्व के बारे में देख लेते हैं, कंपनी के रिज़र्व्स कैसे हैं, कंपनी कोई कर्जे में है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है या हमको कंपनी की सारी डिटेल मालूम चल जाती। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
यहाँ पे आप कंपनी का रिजर्व देख पा रहे होंगे 722 करोड़, देन 956 करोड़ एंड 1 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। तो कह सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म के कर्जे की बात करें तो 1000 करोड़, देन 2000 करोड़, देन अभी आप फाइनली 4 करोड़ के आसपास का कंपनी, मतलब सम अराउंड 5 करोड़ के आसपास का आप कर्ज़ा कंपनी के ऊपर देख रहे हैं। ये यहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज अगर बैंकिंग सेक्टर है तो इतना कर्जा तो दोस्तों होता ही। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म कर्जे में आप देख पा रहे होंगे 900 करोड़, देन 1000 करोड़, देन यहाँ पे 0.99 करोड़। शॉर्ट टर्म का कर्जा चेंजेस होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के पास कितना कैश है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो यहाँ पर हम कैश देख लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट में ये यहाँ पे आपको कैश दिखाई देगा 202 करोड़ के आसपास का कैश, 123 के आसपास का कैश एंड 0.62 के आसपास का यहाँ पे कैश कंपनी के पास देख पा रहे होंगे। तो कह सकते हैं कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, बट अभी चांसेस हैं इसके बैंक निफ्टी बैंक में शामिल होने के। तो यहाँ से हम एक चीज़ मान सकते हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें जाते हैं तो हमको यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है कंपनी की, कह सकते हैं हम। इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी आप सभी से, नए बिगनर्स हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया के नंबर वन ब्रोकरेज हाउस में डीमैट अपना ओपन करा सकते हैं। इसी के साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट या लाइक करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।